लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। जनपद पंचायत पंधाना सीईओ उदयराज सिंह चौहान एवं उनकी टीम ने पंधाना के ग्राम बागमला में लोक निर्माण द्वारा पुलिया निर्माण कार्य करते हुए 17 मजदूरों को पकड़ा है। यह सभी मजदूर विगत 2 माह से इस पुलिया निर्माण कार्य को कर रहे थे। अभी कोविड-19 के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन है, इसके चलते सारे शासकीय गैर शासकीय कार्य शासन के निर्देशों द्वारा बंद करवा दिए गए हैं। उसके बावजूद भी ठेकेदार द्वारा जबरन में इन मजदूरों से पुलिया निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। टीम के पहुंचने पर वहां कार्य कर रहे सारे मजदूर अपने घर वापसी की गुहार लगाते दिखाई दिए। पंधाना सीईओ द्वारा क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान यह मामला सामने आया। सीईओ द्वारा तुरंत कार्य रुकवाया गया एवं बागमला सचिव को आदेशित कर सारे मजदूरों को अनाज, तेल, नमक एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। लॉकडाउन के तहत मैं क्षेत्र के भ्रमण दौरान जो है ग्राम पंचायत बागमला पहुंचा था, देखा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित पुलिया निर्माण का काम प्रगतिरत है और उसमें जो है मजदूर काम कर रहे हैं जिनके ना तो मास्क ना ग्लव्स की सुविधा मुहैया कराई गई है। मैंने प्रथम दृष्टया सही मजदूरों से जानकारी ली तो उनमें मजदूर जो है कटनी जिला बालाघाट के होना बताया गया और मौके पर कार्य एजेंसी उपस्थित नहीं थी। इनके लिए मैंने तत्काल काम बंद कराते हुए और प्रथम दृष्टया राशन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जिसमें उचित मूल्य संचालित क्या नाम यादव को बुलाकर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।